ये देखिए, ये मेरे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें यूजिंग लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा ओ थीटा इज इक्वल टू वन, ये बेसिकली एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले की बेस पे हमने क्वेश्चन 21 टू 36 तक सॉल्व कर लिया। इस फार्मूले को समझते हैं। देखिए, लिमिट अगर थीटा टेन टू जीरो हो, यहाँ थीटा की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल यहाँ हो सकता है, अगर वो टेन टू जीरो हो और यहाँ हमारे पास साइन थीटा और थीटा हो, यानी कि साइन का जो एंगल हो वही एंगल नीचे अकेला हो, यानी कि वही एंगल डिवीजन के नीचे हो, तो सेम हम उसकी जगह वन लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ साइन थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ साइन एक्स हो तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ साइन टू एक्स है तो नीचे अकेला एक्स है तो नीचे टू लेना ज़रूरी है, यानी कि साइन टू एक्स और टू एक्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जगह हम वन पुट कर सकते हैं। ये हमारे बेसिकली एक फार्मूला है, या जिसे आप रूल कहते हैं, ये साइन विद थ्योरम की बेस पर ये प्रूव होता है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिमिट थीटा टेन टू जीरो दिया गया है, ये साइन टू अंडर रूट ओवर थीटा डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ओवर थीटा, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे दिया गया है, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब हम इसकी जगह ये वन पुट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट थीटा टेन टू जीरो दिया गया है, ऊपर हमारे पास साइन इंटू ये हमारे पास कोई एंगल है टू अंडर रूट इंटू थीटा, कोई एंगल दिया गया है साइन का डिवाइडेड भाई वही एंगल अगर नीचे दिया गया है तो उसकी जगह हम वन पुट कर सकते हैं, ये जी वन हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आंसर है। ये बेसिकली फार्मूला है जो साइन विद थ्योरम की मदद से प्रूफ होता है, तो वह प्रूफ हम नहीं कर रहे, तो इस वजह से हमें क्वेश्चन 21 टू 37 तक बस ये फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। तो लिमिट टी टेन टू जीरो, यहाँ वेरिएबल हमारे पास टी दिया गया, वो टेन टू जीरो है, साइन के टी ओवर टी, यहाँ उसने कह दिया कि के कांस्टेंट है। अब हमारे पास रूल होता है कि थीटा टेन टू जीरो हो, साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू वन के होता है, यानी कि साइन के साथ ये जो एंगल हो वही एंगल अगर नीचे हो तो हम वन पुट कर सकते हैं। अब हमने इसमें साइन के साथ ये जो एंगल के टी दिया गया वही एंगल नीचे होना चाहिए, नीचे तो हमारे पास टी है, के नहीं है, तो इसके के को नीचे लाने के लिए हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा के से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई के, तो हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया, के से डिवाइड भी कर देते हैं। तो लिमिट टी टेन टू जीरो दिया गया है, ऊपर हमने इसे मल्टीप्लाई करना है के से, तो के साइन के टी डिवाइड भी करना है उसे इक्वेशन को के से, और ये मल्टीप्लाई टी के, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो देखें, लिमिट टी टेन टू जीरो, ऊपर हमारे पास के को वैसे रहने दें, और ये साइन के टी डिवाइडेड बाई इस के को मल्टीप्लाई कर दें टी के साथ। अब देखें, साइन के साथ ये जो एंगल दिया गया है यही एंगल बेसिकली नीचे दिया गया है, अब यानी कि इसकी जगह के वन पुट कर सकते हैं। मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, के को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है यानी, तो लिमिट टी टेन टू जीरो साइन के टी डिवाइडेड बाई के टी के। अब देखें, इसकी जगह मैं वन पुट कर सकता हूँ क्योंकि रूल था हमारे पास, तो उसके बाद के और ये मल्टीप्लाई इसकी जगह ये वन पुट कर दिया, तो आंसर विल बी इक्वल टू के। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। जी देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिमिट वाई टेन टू जीरो साइन थ्री वाई ओवर फोर वाई। अब देखिए, मैं कहता हूँ ये साइन विद थ्योरम की मदद से मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये थ्री वाई दिया गया है तो नीचे भी थ्री वाई होना चाहिए, फोर नहीं होना चाहिए। तो फोर को ख़त्म करने के लिए इस फोर को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट, ये देखिए, फोर को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये वन ओवर फोर, वन ओवर फोर को मैंने बाहर निकाल लिया और लिमिट दी गई है हमारे पास वाई टेन टू जीरो, और ऊपर हमारे पास साइन थ्री वाई डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास क्या बचेगा फिर वाई, क्योंकि इस फोर को तो हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ऊपर हमारे पास साइन थ्री वाई दिया गया, तो नीचे भी थ्री का होना जरूरी है। तो थ्री को लाने के लिए हमें इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लेता हूँ कि वन ओवर फोर, और ये लिमिट है हमारे पास वाई टेन टू जीरो, ऊपर मैं लिख देता हूँ कि थ्री साइन थ्री वाई, यानी कि थ्री से मैंने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और थ्री से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब देखिए, ये साइन थ्री वाई है डिवाइड बाई थ्री वाई, अब इसका जो एंगल है वही एंगल नीचे है, अब इसकी जगह हम वन पुट कर सकते हैं। अब मैं इसे लिखूंगा कि ये इस थ्री को क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये बनेगा थ्री ओवर फोर, और ये लिमिट है हमारे पास वाई टेन टू जीरो, ऊपर हमारे पास साइन थ्री वाई डिवाइड बाई वही एंगल, देखें साइन थ्री साइन का जो एंगल थ्री वाई है वही एंगल हमारे पास नीचे है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसे मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि थ्री वाई और ये मल्टीप्लाई, अब इसकी जगह मैं वन पुट कर सकता हूँ, तो आंसर हमारे पास बनेगा थ्री ओवर फोर के। जी, ये हमारे पास आंसर है। जी देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिमिट एच टेन टू जीरो, और ये जो जीरो दिया गया है जीरो के ऊपर आपको माइनस का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। उसके बाद एच ओवर साइन थ्री एच, हमने इसमें रूल यूज़ करना है कि रूल ऊपर गिवन था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें, अगर लिमिट हो हमारे पास
थीटा हो या कोई भी वेरिएबल हो टेन टू ज़ीरो हो, उसके बाद साइन इसका जो जो एंगल हो और वही एंगल नीचे डिवाइड हो, तो उससे हम इक्वल कर सकते हैं वन के। सेम ये रूल मुझे यहाँ यूज़ करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देखें, अब देखें तो ये साइन थ्री एच है, तो बेसिकली इसका मतलब ये साइन के साथ ये जो एंगल थ्री एच दिया गया, ये जो थ्री एच एंगल दिया गया वही एंगल हमारे पास यहाँ भी होना चाहिए थ्री एच। तो इसको थ्री लाने के लिए इक्वेशन को मुझे थ्री से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये देखें वन ओवर थ्री, ये मैंने इक्वेशन को वन ओवर थ्री से डिवाइड कर दिया और लिमिट एच टेन टू, और ये बेसिकली ज़ीरो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। उसके बाद देखें ये थ्री है, इक्वेशन को मैं थ्री से डिवाइड कर दिया और ये हमारे थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन को डिवाइड बाई साइन थ्री एच दिया गया हमारे पास। तो उसके बाद अब देखें इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि वन ओवर थ्री दिया गया हमारे पास, ये लिमिट है एच टेन टू ज़ीरो। उसके बाद देखें अब इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि वन डिवाइडेड बाई ये साइन थ्री एच, और ये जो मैंने थ्री एच को छोड़ दिया इसे मैं नीचे लिख दूंगा कि ये थ्री एच है इस तरह से, क्योंकि बटे का क्योंकि डिवीजन का डिवीजन तो ऊपर चला जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास थ्री एच ओवर साइन थ्री एच के इक्वल आएगा। अब अपनी आसानी के लिए इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि वन ओवर थ्री, ऊपर हमारे पास गिवन है वन, अब लिमिट एच टेन टू ज़ीरो को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, और ऊपर हमारे पास दिया गया है साइन थ्री एच डिवाइडेड बाई थ्री एच के। अब हम देखिए सेम ये रूल हमारे पास बन चुका है कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल हमारे पास नीचे गिवन है, तो हम इसकी जगह वन पुट कर सकते हैं कि वन ओवर थ्री और ये मल्टीप्लाई वन ओवर, अब इसकी जो एंगल की जगह हमारे पास देखें तो इस रूल की जगह वन पुट कर देंगे, तो आंसर विल बी इक्वल टू वन ओवर थ्री के जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा जी। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दिया गया है। अब हमारे पास जो रूल था मैं रूल लिख देता हूँ, हमने उस रूल को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हमारे पास लिमिट हो कोई भी वेरिएबल हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि अगर एक्स टेन टू जीरो हो, ऊपर हमारे पास साइन एक्स हो और वही एंगल साइन के साथ ये जो एंगल एक्स दिया गया है वही एंगल अगर हमारे पास नीचे दिया गया हो, तो उसकी जगह हम वन पुट कर सकते हैं। हमने इस रूल की मदद से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद देखें अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें हमारे पास रूल साइन में था, यानी कि जो ऊपर हमारे पास फार्मूला गिवन था, यानी कि ऊपर हमारे पास जो फार्मूला गिवन था वो साइन में था, तो यहाँ साइन को लाना ज़रूरी है। तो टेन का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो, ऊपर से टेन टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि साइन टू एक्स डिवाइड बाई कॉस टू एक्स के। तो साइन टू एक्स का यानी कि टेन टू टेन एक्स बेसिकली इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, अगर टेन टू एक्स है तो इक्वल होगा साइन टू एक्स ओवर कॉस टू एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स दिया गया, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स के। सिंप्लीफाई करें तो देखें अब इस कॉस टू एक्स को मैं नीचे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो, ऊपर हमारे पास गिवन है साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए कॉस टू एक्स को मैं नीचे लिख देता हूँ कि देखें ये एक्स और ये कॉस टू एक्स। अब देखें इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, देखें सेपरेट करने का तरीका ये है कि देखें लिमिट हमारे पास, इसको मैं कुछ अलग से लिखना चाहूँ तो लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो, अब इसे अपनी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ कि वन ओवर कॉस टू एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ और साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को मैं बाद में लिख लेता हूँ। अब इसके साथ भी मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, इसके साथ भी मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। तो देखें लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो वन ओवर कॉस टू एक्स, और इस लिमिट को मैं अगेन इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट, ये थ्योरम होती है हमारे पास जो अप्लाई करना होती है कि लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ हमने सैंडविच थ्योरम यूज़ करना है, यानी कि यहाँ जो रूल गिवन था वो यूज़ करना है हमने कि देखें अगर साइन के साथ ये जो टू एक्स एंगल दिया गया है अगर वही एंगल अगर हमारे पास नीचे हो तो हम उसकी जगह वन पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास टू नहीं है तो इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अपनी आसानी के लिए देखें अब यहाँ एक्स टेन टू ज़ीरो है तो यहाँ एक्स की जगह मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ, तो वन ओवर कॉस टू इंटू एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें, और यहाँ हमने इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो टू से मल्टीप्लाई हो गया ये, और टू से हमने इक्वेशन को डिवाइड करना है और ये हमने इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दिया। अब देखिए साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल हमारे पास नीचे बन चुका है, अब इसकी जगह वन पुट कर सकते हैं लेकिन टू को कॉमन निकाल कर। तो अपनी आसानी के लिए देखें ये वन ओवर ये कितना बनेगा कॉस ज़ीरो, और ये मल्टीप्लाई देखें टू को मैं कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर निकाल सकता हूँ, और ये लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो दिया गया है और साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स के। अब रूल था कि साइन के साथ जो एंगल हो अगर वही एंगल नीचे गिवन हो तो हम उसकी जगह वन पुट कर सकते हैं। उसके बाद देखें वन ओवर कॉस जीरो बेसिकली वन के इक्वल होता है और ये मल्टीप्लाई टू इंटू ये बेसिकली रूल वन के इक्वल हो गया, तो आंसर विल बी इक्वल टू टू के जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है।